इतना अच्छा कोऑपरेट किया है तुमको, मेरी पत्नी का भी सहयोग। अक्सर प्यार में आपने एक दूसरे को दिल देने की बात सुनी होगी, लेकिन इस प्यार भरे महीने में फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल से एक ऐसा वाक्या सुनने में आया है जिसने प्यार की एक नई मिसाल कायम की है। दरअसल यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को अपना लीवर दान कर उसकी जान बचाई है। हम सभी को पता है पति पत्नी का रिश्ता इस संसार में सबसे अटूट रिश्ता माना जाता है। जहाँ सावित्री अपने पति की जान बचाने के लिए स्वयं यमराज से भिड़ गई थी, ठीक उसी तरह आम लोगों की जिंदगी में भी पत्नी हर मोड़ पर अपने पति के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और आज इस मामले ने इन सारी बातों को सच साबित कर दिया है। हम आपको पूरी जानकारी देते हुए बता दें, बनारस उत्तर प्रदेश के निवासी श्रीमान राठौड़ एक वर्ष से लीवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित थे और दिल्ली के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में वह अपनी जाँच करा चुके थे, लेकिन हर जगह उन्हें असफलता ही प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने मेट्रो हॉस्पिटल में अपनी जाँच करवाई, जहां उन्हें बताया गया कि उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, जिसके बाद मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकुर गर्ग इफ ट्रांसप्लांट टीम ने मरीज और उनके परिजनों को अंग दान की सभी प्रक्रियाओं को समझाया, जिसके बाद मरीज की पत्नी ने लीवर दान करने की इच्छा जताई। सभी जांचों के बाद उनका लीवर दान करने के लिए उचित पाया गया, जिसके बाद मरीज का सफलतापूर्वक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है तथा उनका लीवर सही ढंग से काम भी कर रहा है। आपको बता दें, लीवर से ग्रसित मरीज एवं उनके परिजन अगर सही समय पर सही फैसला ना लेते तो मरीज की जिंदगी भी जा सकती थी। श्री राठौड़ ने सही समय पर सही फैसला लिया, जिसके कारण उनकी जान बचाई जा सकी और वह अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। खुद ही सुनिए इस पूरे मामले में मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर और मरीज और उनके परिजनों का क्या कहना है। उस टाइम मेरी पत्नी का भी सहयोग, मेरी लाइफ के लिए बहुत। जानते हैं कि जब लिवर फेलियर हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो इंडिया में अगर हम देखें तो अराउंड 50% पेशेंट वो हैं जिनको अल्कोहल की वजह से लिवर फेलियर होता है, लेकिन 50% पेशेंट वो भी हैं जो शायद अल्कोहल कभी नहीं लेते हैं और उनको भी लिवर फेलियर होता है। उसमें मेनली कारण है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और आज की डेट में अराउंड 15-20% पेशेंट्स को सिर्फ फैटी लिवर, जो कि कॉमन वर्ड है जो हम रोज मर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, 15-20% लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत सिर्फ फैटी लिवर रिलेटेड लिवर फेलियर की पड़ती है। तो अगर कभी भी हमारे कोई भी, चाहे वो फिजिशियन है, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, अगर बोलते हैं कि फैटी लिवर है तो सिर्फ नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए कि अच्छा फैटी लिवर तो आजकल हर कोई डॉक्टर ही बोल देता है। अगर हम उसको टाइम पे कंट्रोल करेंगे तो फैटी लिवर एक रिवर्सिबल कंडीशन है जिसको हम नॉर्मल कर सकते हैं, और अगर इसी को हम चलने देंगे और नज़रअंदाज करते रहेंगे तो 15-20 साल बाद वो लिवर फेलियर की तरफ जा सकती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैटी लिवर सबको 30-35 ईयर्स की एज में ग्रेड 1 फैटी लिवर शायद हम सबको होगा, आपको भी होगा, मुझे भी होगा, लेकिन अगर वही लाइफ स्टाइल और वही फूड स्टाइल हम अपना चलने देंगे तो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 और ग्रेड 4 और फेलियर की तरफ जाने में बहुत सारा समय शायद नहीं लगेगा। देखिए मेडिकली आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इतना अमाउंट ऑफ एल्कोहल चाहिए, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो बहुत ज्यादा मात्रा में लेता है उसको लिवर फेलियर होता है, या जो सिर्फ सोशल ड्रिंकर है उसको कभी नहीं होगा। उसमें बहुत सारे और जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, बट मेडिकल साइंस बोलती है कि रोज अगर हमने 80 ग्राम एल्कोहल से ज़्यादा लिया 8-10 साल तक तो 90% चांसेस है कि लिवर फेलियर हो जाए। देखिए बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे बिलीव्स हैं पॉपुलेशन में भी, और उसमें ना मैं होम्योपैथिक का एक्सपर्ट हूँ ना मैं आयुर्वेदिक का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं ये बोलता हूँ कि मेरा उनसे विश्वास नहीं है, जो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि एक पेशेंट जिसको जब हम सिरोसिस बोलते हैं या एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं, आज तक की मेडिकल साइंस चाहे वो होम्योपैथी है चाहे आयुर्वेदिक है चाहे एलोपैथी है, उसमें लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और क्योर नहीं है। देखिए ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है, पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, 2 साल 4 साल 10 साल निकल जाएंगे, लेकिन अगर एक लिवर फेलियर पेशेंट को नॉर्मल फिट अपनी ज़िंदगी जीनी है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो लिवर ट्रांसप्लांट। आज तक देखिए
क्योंकि लिवर लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, एक ही ऑर्गन लिवर एक ही होता है, जैसे कि किडनी तो दो होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा किडनी डोनेशन किया जा सकता है, लिवर कैसे डोनेट कर सकते हैं, तो लिवर हमारी बॉडी में एक ही होता है। डोनर के जब बहुत सारे टेस्ट करने के बाद डोनर को हम बोलते हैं कि फिट है, लिवर का साइज कैलकुलेट करते हैं, और बहुत ही हाई प्रिसीजन सर्जरी होती है जब हम लिवर को बीच में से कट करते हैं, और ऐसे कट करते हैं कि जो पार्ट लिवर डोनर के पास बचेगा वो उसकी लाइफ के लिए इनफ है, और जो पार्ट हम निकालेंगे वो जो पेशेंट में लगाएंगे रेसिपिएंट में वो उसके लिए सफिशिएंट है। प्लस जो एक बहुत अच्छी चीज़ है लिवर के साथ कि एक लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो ग्रो कर सकता है, तो डोनर का हम करीबन 60% लिवर निकाल लेते हैं सर्जरी के दौरान, और 3 हफ्ते में ही वो लिवर वापस से ग्रो करके 95% हो जाता है। ये फैटी लिवर, जैसे कि वर्ड है फैटी लिवर, उसका मतलब होता है कि लिवर में फैट जमा होता है। तो अगर कोई भी पेशेंट ओवरवेट है, उसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है, तो कुछ अमाउंट ऑफ फैटी लिवर हम सबको रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जो पतले लोग हैं जिनका बॉडी वेट बिल्कुल कंट्रोल में, उनको फैटी लिवर नहीं हो सकता है, उसके लिए भी एक टर्म है लीन नैश, लेकिन वो और रिस्की है। एक मोटे पेशेंट को या मोटे इंसान को तो फैटी लिवर होना ही है, लेकिन क्या रीजन है मेनली रीजन हमारे लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, हम किस तरह का खाना खाते हैं और फिजिकली हम कितना एक्टिव रहते हैं। नॉर्मली हम सबकी डाइट्स में जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन इंटेक कम होता है, तो ऐसा मेथ बिल्कुल निकाल दीजिए कि सिर्फ फैट खाने से फैटी लिवर होता है। फैट खाने से फैटी लिवर नहीं है, इम्बैलेंस डाइट से फैटी लिवर होता है। आप सावधानियाँ कर सकते हैं सर इसमें, इससे बच जाए हम लोग। वो तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक अच्छा खाना रहन ना और यू नो एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर हम अपनी डाइट को चेक कर रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, और हम अपनी एज के अकॉर्डिंग एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हम फैटी लिवर से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ज़्यादातर उनकी डाइट में मैदा होता है, जंक फूड शामिल होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इंटेक करते हैं और कहते हैं कि मैदा शरीर के लिए सबसे ज़्यादा घातक है, तो किस तरीके से इसको बदला जा सकता है, किससे रिप्लेसमेंट दी जा सकती है इसको फूड को? वही वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खा सकते या मैदा बिल्कुल भी नहीं खा सकते। अल्टीमेटली मैदा भी गेहूं से ही बनता है, लेकिन अगर हम मैदे की कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें सिर्फ प्राइमरी कॉम्पोनेंट कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है, और जब भी हमारा कार्बोहाइड्रेट 50-60% से ज़्यादा होगा पूरी डाइट का, तो यही सब प्रॉब्लम होगी। और अगर आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे तो इवन आज की डेट में 12 साल तक के बच्चों में ऑलमोस्ट 30% इंसिडेंस है फैटी लिवर, जो आज से 20 साल पहले शायद कभी हम सुनते भी नहीं थे कि बच्चों को फैटी लिवर हो। वहाँ पे इतना ही मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि अगर कोई भी सिम्टम हो रहा है हमें, चाहे वो एसिडिटी का है, चाहे वो हेडेक है, चाहे वो इंडाइजेशन है, अगर वो बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है बॉडी में। वंस इन अ वाइल तो शायद हम सबको एसिडिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी ली, रात को नहीं सोए, या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लिया, वो अंडरस्टैंडेबल है। बट एक रेगुलर डे टू डे बेसिस पर अगर मुझे सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं बिना किसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के, तो डेफिनेटली कुछ है जो हमें चेक करना चाहिए। एंड जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें अपना एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। सब लोगों को लगता है कि नहीं हॉस्पिटल जाएंगे, एक रेगुलर चेकअप कराएंगे तो कोई ना कोई टेस्ट में प्रॉब्लम आ ही जाएगी, कुछ तो ईसीजी में आ ही जाएगा, कुछ तो लिपिड में आ ही जाएगा, कोई ना कोई डॉक्टर तो बोल ही देगा कि एंजियोग्राफी करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो इन वेज से शायद निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक 75-80% लिवर डैमेज नहीं हो जाता है, तब तक लिवर रिलेटेड फेलियर के किसी को साइन सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो बहुत सारे लोग जब पहली बार आते हैं तो सब नॉर्मल थे, और 6 महीने बाद डॉक्टर मुझे कैसे बोल सकता है कि आपको लिवर फेलियर हो गया, बिकॉज वो एक बॉर्डर लाइन है। जब तक उनका 30% लिवर भी काम कर रहा होता है उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते, एंड जस्ट एक बैलेंस है, कभी 25 पे होता है 20 पे, जब बैलेंस क्रॉस हो जाता है तो एकदम से उनको सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे अपने आप में आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं। लिवर फेलियर में तो जॉन्डिस होगा, पेट में पानी बन जाता है, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, और धीरे धीरे जो हमारा प्रोटीन मास है ना वो सब जाना शुरू हो जाता है, तो मसल बचती नहीं है, सिर्फ स्किन बचती है और बोन।